इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक 3 लीटर का स्टीम कुकर है। ये आप देख पा रहे हैं, इस कुकर में क्या हो रहा है। ग्राहक कहना है कि सीटी कभी कभी होता है और पहली बात कभी होता नहीं है, हाथ से करना पड़ता है और कभी कभी सीटी हमारा बाहर फेंक देता है। इसका समय कहना है, आप गौर से देखिए, यहाँ पे कचरा इतना सारा निकाला हुआ है। ये कचरा इस सीटी के अंदर से निकला हुआ है और अभी मैंने पूरी तरह क्लीन भी नहीं किया है। मैं आपको दिखाता हूँ सीटी को साफ कैसे करते हैं। अगर आप सीटी साफ रखें बराबर और ध्यान रखेंगे तो आपका कुकर जल्दी खराब नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाली खाना बनाए, खाए, मजा किए, सो गए ऐसे ही, और फिर क्या होता है, हमारा कुकर खराब होता है, सीटी उड़ता है और कभी कभी तो ब्लास्ट भी हो जाता है। ब्लास्ट होएगा फिर अगर वहाँ नज़दीक में खड़े हैं तो आपको चोट भी लगेगा और गैस चूल्हा फटेगा, सब कितना सारा दिक्कत होता है। कितने सारे कुकर मेरे पास आते रहते हैं, कुकर साथ गैस चूल्हे भी आएंगे, गैस चूल्हा पूरा चपटा हो जाता है, बर्नर पूरा टूट जाता है, जाली पूरी टूट जाती है। उसकी वजह सिर्फ यही है, गंदगी। आप गंदगी रखेंगे तो क्या होगा, देखिए कचरा, देखिए मैं निकाल रहा हूँ, आप जरा कचरा देखिएगा कितना कचरा निकल रहा है इसके अंदर से। दोस्तों देखिए, कचरा इतना ज़्यादा है, इतना चिपक गया है कि इसे निकल भी नहीं रहा है। इसे 100 ब्लेड से साफ करना पड़ रहा है। ये एक दिन का कचरा नहीं है, ऐसा नहीं कि कल खाना बनाया आज ऐसा हो गया। ये हो सकता है कि महीनों का हो, यह हो सकता है कि 2-4 महीने का हो, 10 महीने का हो, पता नहीं कितना महीने का है। ये इतनी गंदगी, कितनी गलत बात है ये बताइए। आप खाना बना रहे, खा रहे ऐसे ही, और आपको थोड़ा भी होश नहीं है कि हमारे सिटी में क्या हो रहा है। कितना कचरा देखिए जरा, देखिए कचरा देखिए जरा। जबकि दोस्तों मैं अपने कस्टमर को बराबर समझाते रहता हूँ कि भाई कुकर जब भी ऑपरेंगे आप तो ध्यान से ऑपरें, उसमें ज़्यादा कचरा ना, कचरपट्टी ना करें, इससे आपका कुकर उड़ जाएगा, ऐसा बोलता हूँ, मैं डराता भी लोगों को। उसके बावजूद यार देखिए, जब मैं सिटी को देखा तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ, क्योंकि अक्सर आजकल हर घरों में कुकर लोग वापर रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं हो इसमें कुकर ना हो, तो इसके लिए बताना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों देखिए, हमने इसको साफ कर दिया है। अब इसमें पिन जो है, एक पिन पूरा घिस गया है, एक पिन सही है। दोस्तों जब कभी आप लगाएंगे साइड का पिन, ये वाला पिन, तो पिन ऐसा नहीं कि आप कोई पिन लगा दिए, कोई पिन लगा देंगे तो आपका कुकर उड़ने वाला है, ध्यान दो। इसे जब पिन लगाना हो तो मैं क्या करता हूँ पता है, सब सिटी में ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या होता है, कोई छोटा सीट जाएगा तो आपको जो छोटा पिन है, ये देखिए छोटा पिन ये भी लग जाएगा, तो बड़ा सीट आए तो बड़ा पिन लगेगा। इसमें देखते कौन सा लगेगा, पिन आपको लगाना ऐसा कि आपका सीटी बाहर ना निकले, मतलब अपने आप नहीं फेंक पाए। ये देखिए हमारा परफेक्ट है, ये एकदम टाइट है, हाँ ओके है। पिन आपको इतना बड़ा लगाना है, पिन बड़ा नहीं लगाना है। ओके, ये छल्ला जो है, ये छल्ले को थोड़ा दबा देना है ताकि आपका जो पिन है उसको टेंशन में रखे और बाहर निकलने का चांस ना रहे इसके पास। थोड़ा दबा दे इस तरह से, अरे फिर ये इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। ये देखिए लग गया है, और फिर जरा इसको और अच्छे साफ कर ले। मैंने साफ किया है लेकिन और अच्छे साफ करते हैं। देखिए कितना कचरा, देखिए एक सीटी के अंदर कचरा है। यहाँ अभी कस्टमर सामने होता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन उसे वीडियो बाद सामने बनाता सब बुरा भी लगता, लेकिन उसके लिए बोला भाई तुम रख दो और बाद में आ जाओ। और अभी ये नट लगा देना है, ये हमारा नट लग गया, सीधे हमारा ओके है। अब दोस्तों देखिए, इसका जो पाइप है, ये पाइप खराब है, और साथ में आप देख पा रहे हैं ये हमारा बैंड भी है, तो हमें सीधा भी करना पड़ेगा। और उससे पहले क्या करें दोस्तों, ये हमारा जो पिन है इसमें डाल दें ताकि घूमे नहीं, और पिन दोस्तों हमेशा एक डब्बे के अंदर रखें संभाल के, नहीं तो वहाँ रखेंगे तो गुम हो जाता है, अगर फट गया गिर गया तो मिलेगा नहीं, आपको बेकार हो जाएगा ये। हाँ ये हमारा हो गया, अभी आप क्या करें, पहले उस पाइप को सीधा कर लें। पाइप खड़ा डाला कोई नया, लेकिन हमने इसको सीधा क्यों किया, इसको सीधा किया मतलब ये हमारा कुकर सीधा हो गया, ये क्योंकि पाइप तो टेढ़ा होने वाला नहीं है, पाइप टेढ़ा होने में टूट जाएगा टेढ़ा हुआ।
अभी इसे खोलने का है और दोस्तों नहीं कभी खोलता उसको तो इसे खोलने के लिए हमेशा उपयोग करता हूँ अपने वॉइस का। ऐसे खोलता नहीं मैं कि वॉइस यहाँ पे है तो क्या होता है खोलने में आसानी रहती है। दोस्तों अगर वॉइस आपको ना हो तो आप चाहें जो मेरा लॉक पकड़े इसे भी खोल सकते हैं। ये पक्का बहुत ज़बरदस्त है, एक बार पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं, टूट जाए भले। ये पकड़ इतना खतरनाक है, खाली इसके पकड़ में आना चाहिए बस। लेकिन ऐसे खोलने में क्या होता है थोड़ी दिक्कत होती है, और वॉइस लगाने से क्या होता है फिर कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से खुल जाता बड़ा प्यार से। लेकिन मैं आप लोग दिखा रहा हूँ कि कई सारे मित्र लॉक पकड़ खरीद चुके हैं और उनके पास वॉइस नहीं है, तो अगर लॉक पकड़ है आपके पास तो आप इस तरह से भी खोल सकते हैं। ये देखिए खुल गया हमारा, और ये वाइसर अच्छा है तो ऐसा रख ले। दोस्तों देखिए हमारा नया मेन ट्यूब भी है, जब कभी मेन ट्यूब लगाएंगे आप मेन ट्यूब को ध्यान रखने का है कि मेन ट्यूब कभी बड़ा ना हो, क्योंकि इसमें कैसा है मेन ट्यूब छोटा भी आता है, मेन ट्यूब और बड़ा आता है, मेन ट्यूब इतना बड़ा भी आता है। अगर बड़ा लगा देंगे क्या होगा, आप लगाएंगे सीटी इस तरह से, ये देखिए सीट लगाने के बाद में ऐसा प्ले होना चाहिए, ऐसा प्ले, अगर प्ले बिल्कुल भी नहीं है तो आप मेन ट्यूब ना लगाएं, ये कुकर उड़ जाएगा। इसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि सब प्ले होना चाहिए, और कभी कभी क्या होता है, और कभी ऐसा भी होता है, देखिए छोटा मेन ट्यूब है, अगर आपने छोटा मेन ट्यूब लिया है और ये देखिए यहाँ पे जाके पूरा सड़ गया, ये एकदम पूरा सड़ चुका है, ये सड़ गया है तो क्या होगा, आपका जो ये मेन ट्यूब का होल है इसको आपका जो सीटी का भाला है इसे लॉक नहीं कर पाएगा, पेयर बनेगा नहीं, हवा लगातार निकलता रहेगा। तो इसके लिए जब मेन ट्यूब लगाएंगे आप तो आपको ध्यान रखने का है कि मेन ट्यूब बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से हो, यानी कि इतना जगह छोटा हो और प्ले इस तरह से होता हो, कम से कम इतना जगह होना चाहिए। अगर इतना जगह है तो समझ जाए तो मेन ट्यूब बराबर साइड का ही, ये देखिए ओके है। और साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान रखने का है कि आप कभी कभी क्या होता है मेन ट्यूब के अंदर बारीक बारीक होल भी रहता है, अगर बारीक होल रहेगा तो आप लगा देंगे मेन ट्यूब तो उसका समझ ले जाएगा और चलाएगा छीटी होगा नहीं, हल्का सा धुआं ऐसा निकलता रहेगा यहाँ से, फिर कस्टमर दोबारा आएगा, जब भी लगाएंगे आपको चेक करना है, इस तरह चेक करना है, क्या करना है, ये होल बंद कर लेना है और फिर इसका जो हवा है अपने अंदर खींचना है, फिर अपनी जुबान को इसके ऊपर रख देना है। आपने देखा मैं खींचा था, आवाज भी आपको आया होगा, देखिए देखिए, यानी कि हमारे जुबान को अपनी तरफ खींचा था, ये इसके लिए आवाज आया, और जरा इसको भी साफ कर दें दोस्तों, भी साफ कर दें इसको भी, रिपेयरिंग काम कोई भी करेंगे आप या रिपेयरिंग काम करें अपना काम करें, हमेशा ध्यान रखें कि काम को अच्छा करने का है, खुद पर नहीं करने का है, ग्राहक पैसा कम दे अथवा ज़्यादा दे, अरे पैसा लगाना बहुत जरूरी है, पैसा लगा दें उसको चार्ज कर दें, फुल एकदम फुल चार्ज करने फिर से आपको लॉक पकड़ से पकड़ना पड़ेगा। इसमें चाहें तो आप 10-11 पाना उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लॉक पकड़ और हमारा वाइस ही जमता है, मेरे को टेंशन नहीं, 10-11 पाना हमारे को सड़कता रहता है, ये सड़के का नहीं, सीधा सेटिंग किया लगा दिया मैच खत्म और टाइट कर दिया। एकदम फुल टाइट कर देना है, हाँ दोस्तों टाइट हो गया। दोस्तों इसके अंदर मेन ट्यूब हल्का भी आता है, अगर हल्का वाला मेन ट्यूब रहेगा अपना टाइट के ज़्यादा तो छूट जाएगा, ये हमारा मेन ट्यूब अच्छी क्वालिटी वाला है, ये टूटेगा नहीं। और ये देखिए अपन लग गया सीटी, इस तरह से कभी आपका मेन ट्यूब बदली करना हो तो बदली कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ आपको सिटी साफ करना बहुत जरूरी है, तो उसका ध्यान रखें। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह का उपयोगी वीडियो हर दिन लेके आते रहता हूँ। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।